जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संदीप कुमार शर्मा। दोस्तों, ये जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का ये वीडियो है। यहाँ पर शादी का आयोजन किया जा रहा है, सामूहिक विवाह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पहुँच करके एक कवरेज की है, उसको हम आपको पूरा दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनकी फाइलें जमा हुई हैं और ये प्रक्रिया लगातार कई दिनों तक चलती रहती है, जहाँ पर अभिभावक यहाँ आकर के जो 36,000 रुपये का अनुदान मिलता है उसका यहाँ पर इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग मिलेंगे आपको, थोड़ा अंदर आ जाइए। विवाह अनुदान के लिए आए हैं ना? अच्छा, तो फाइल कब से लगी हुई है? लगने वाली है, मतलब फाइल लगे हुए कितना टाइम हो गया? एक महीना हो गया। तो आप लोग इन्हीं के साथ में हैं? जी, लड़का आने वाला। अच्छा, लड़का आने वाला है। तो अच्छा, इंतजार किया जा रहा है? जी, तो अंदर प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ। तो क्या क्या, मतलब प्रोसेस क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी जानकारी है आपको? जी, इसमें सर 35,000 रुपये मिलते हैं और 4-5 चीज मिलती है, 100 बर्तन मिलते हैं। अच्छा, मतलब लगभग 35,000 रुपये का अनुदान गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट खाते में दिया जाता है कि कैश मिलता है? खाते में जाता है लड़की। अच्छा, लड़की के खाता जो होता है, लड़की के खाते में जाता है और यहाँ पर जो बैंक की पासबुक है लड़की की, वो यहाँ पर जमा हो जाती है? वो पहले से जमा है फॉर्म में। अच्छा, फॉर्म के साथ में पहले से ही जमा कर दी गई है। तो आपने बताया कि जैसे कि बर्तन वगैरह मिलते हैं, है ना? तो कितने बर्तन मिलते हैं? 100 बर्तन मिलते हैं। 100 बर्तन मिलते हैं। तो बर्तन में मतलब छोटे ही होते हैं कि बड़े बर्तन होते हैं? सभी तरह के रहते हैं, जैसे बड़े भी हैं, छोटे भी, मतलब जैसे चम्मच, कुकर वगैरह, थाली, गिलास, कटोरी। तो गवर्नमेंट द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है, इसमें आपको लगभग क्या लगता है कि आपको सही है? ये सही है, बिल्कुल सही है, योजना सब सही है। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ सहारा तो लगता ही है गरीब आदमी को, यही है ना? अच्छा, तो जैसे कि माना जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ठीक ठाक फैमिली से हैं और वो भी फॉर्म डलवा रहे हैं, तो क्या ऐसा हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है, जैसे सब गरीब आदमी जो उनके लायक है, जो अपना थोड़ा रास्ता दे दो, जो लोग आ रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, जो साहब आ रहे हैं। ओके, तो आ जाइए, आप अंदर दिखा देते हैं। यहाँ पर जो बर्तन दिलवाने पड़ेंगे, तुम बता दो। अधिकारी अधिकारी होंगे इधर बैठे हुए? अच्छा, तो यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी सारी फाइलें लगी हुई हैं, काफ़ी सारी फाइलें मौजूद हैं और जितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर विवाह अनुदान में, देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ यहाँ पर जमा है। तो 36,000 रुपये का, लगभग 35 से 36,000 रुपये का अनुदान मिलता है, जिसमें बर्तन भी दिए जाते हैं। तो जो लोग गरीब होते हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इधर भीड़ दिखाओ, काफ़ी भीड़ देख सकते हैं आप। यह है सहनाई मंडप डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें कितने लोगों ने कितना घूस खाया है, क्योंकि इसका नाम यूपी है और उत्तर प्रदेश में कुछ भी होना संभव है। नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, धन्यवाद। और वीडियो के अंत में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विवाह का आयोजन मंत्रोच्चार द्वारा किया गया है, और यहीं पर जो नव विवाहित जोड़े हैं उनको बैठा करके मंत्रोच्चार द्वारा इनका विवाह संपन्न कराया गया है।